रायगढ़ में कोटरा रोड पर विधायक पुत्र ऋतिक नायक और उनके साथियों द्वारा एक ट्रक ड्राइवर और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में फरार आरोपी ऋतिक नायक समेत 6 लोगों ने कोतवाली थाने में सरेंडर कर दिया। विधायक प्रकाश नायक खुद अपने बेटे ऋतिक नायक को सरेंडर कराने थाने लेकर पहुंचे। दरअसल 3 दिन पहले विधायक पुत्र ऋतिक नायक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रक चालक से मारपीट की थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे ट्रक ड्राइवर के साथ ड्यूटी में तैनात पुलिस आरक्षक को भी थाने में घुसकर पीटा था। मामले में पुलिस ने पीड़ित ट्रक चालक के साथ घायल पुलिस आरक्षक की रिपोर्ट पर विधायक पुत्र ऋतिक नायक समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना हुई थी जिसमें मेरे पुत्र का नाम आया था और उसमें कुछ धार लगी थी। मैंने अपने जनप्रतिनिधि होने के दायित्व निभाया है और अपने पुत्र और उनके साथियों को आज थाना में सरेंडर कराया है। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और एक पिता होने के नाते अपना पिता धर्म भी निभा रहा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि धर्म भी निभा रहा हूँ, पिता धर्म निभा रहा हूँ और कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस बात का मैं खुद इसको स्वीकार